हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोबिन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोबिन फैशन डिज़ाइनर में। दोस्तों, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड है कि सर, आपने पैंट और प्लाजो की कटिंग तो हमें बता दी है, बट आपने हमें पैंट और प्लाजो का जो मेज़रमेंट है किस तरीके से लिया जाता है इसके बारे में हमें बताएँ। तो दोस्तों, पैंट और प्लाजो का जो मेज़रमेंट है किस तरीके से लिया जाता है, ये भी अपने आप में एक आर्ट है, क्योंकि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। हर तरीके लेडीज़ होती हैं, किस कोई हेल्दी, कोई स्लिम, कोई ट्रिम। तो दोस्तों, हर किसी के बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हमें जो है पैंट या फिर प्लाजो का मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको किस तरीके से पैंट प्लाजो का मेजरमेंट लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे वाइफ हैं और इनका पैंट और प्लाजो का मैं आपको मेजरमेंट लेके बताऊंगा किस तरीके से आपको पैंट या प्लाजो का मेजरमेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आपने पैंट या फिर प्लाजो का नाप लेना है तो सबसे पहले लेना है आपको लंबाई का नाप। और लंबाई का नाप भी लेते समय आपको एक चीज़ विशेष तौर पे याद रखनी है, अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स की या किसी रिश्तेदार की आप पैंट या प्लाजो सिल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि मेन चीज़ होती है लंबाई में अक्सर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम खुद क्या करते हैं कि इस तरह से पकड़ लेते हैं चिटे, वो लंबाई का नाप ले लेते हैं। कभी भी आपको इस तरह से लंबाई का नाप नहीं लेना। आपने जब भी किसी की लंबाई का नाप लेना है तो आपको इंच टेप पकड़ा देना है अपने कस्टमर्स को या फिर जिसकी आप पैंट सिल रहे हो, और उसको बोलो कि आप भाई किस जगह पर बांधते हो उस जगह इसको लगा लो। अब जैसे इनको मैंने इंच टेप पकड़ा दिया है, आप जिस जगह भी अपनी पैंट या फिर प्लाजो बांधोगे वहीं पर इंच टेप को लगाओ। अब जैसे इन्होंने इस जगह लगा लिया है, इसके बाद दोस्तों लंबाई लेनी है आपको इस तरीके से। देखिए, ये जो है इस तरह से बिल्कुल सीधा पैर रखवाना है आपको। उसके बाद ये जो लंबाई होती है दो तरह से ली जाती है दोस्तों। एक तो देखिए, ये लंबाई आ रही है बिल्कुल फ्लोर लेंथ यानी 36 इंच, और एक लंबाई होती है एंकल पैंट की, ये जो टकना होता है इसको हम एंकल बोलते हैं। जैसे इनकी लंबाई आ रही है 34.5, अगर किसी ने एंकल पैंट पहन रही हो तो उसको दोस्तों आपको टकने तक लंबाई रखनी है। अगर एंकल नहीं पहननी तो बिल्कुल फ्लोर लेंथ जैसे 36 से यहाँ तक आपको लंबाई रखनी है। इसके बाद दोस्तों नाप लेना है हमने कमर का। कमर का नाप भी दोस्तों उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी आपको इंच टेप पकड़ा देना है अपने कस्टमर को, जिस जगह पर भी वो बांधना चाहे उस जगह आप उसको इंच टेप दे दें। जैसे अब इन्होंने इस जगह रख लिया है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों इनकी जो कमर है, कमर आ रही है 33 इंच पर। तो कमर के नाप के लिए भी आपको जो है इंच टेप अपने कस्टमर को पकड़ा देना है, क्योंकि इसमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनका का पेट बड़ा होता है, तो उसकी वजह से वो इस जगह पर जैसे इन्होंने बांध रखी है तो हमें लगता है कि इस जगह से हमें नाप लेना, ऐसा नाप नहीं लिया जाता। जिनका पेट बड़ा होता है उनके लिए हमें नाप जो है था इस जगह से लेना पड़ता है, क्योंकि पेट बड़ा होने की वजह से वो पैंटें नीचे सरक जाती है। तो जिनकी कमर पतली हो तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। और पैंट का जो कमर का जो सिस्टम होता है दोस्तों, हर किसी का अलग होता है। कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो पैंट बिल्कुल नाभि के ऊपर बांधती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो नाभि से लगभग 3 या 4 इंच नीचे बांधती हैं। तो इसलिए कमर का नाप लेने के लिए आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपने जब भी कमर का नाप लेना है तो उसके लिए आपको इंच टेप पकड़ा देना है अपने कस्टमर को, और उनको बोलना है कि जिस जगह आपने बांधनी है उस जगह आप इंच टेप को लगा लें। अब जैसे कि ये इनको मैंने पकड़ा दिया, आपने जहाँ पर बांधनी हो अपनी जगह इंच टेप को लगाएं। जैसे इन्होंने बता दिया भी मेरे को उस जगह पैंट बांधनी है। तो इस तरह से दोस्तों इनकी कमर का हमको नाप लेना है। इसके बाद दोस्तों कमर का नाप के बाद आपको लेना है हिप्स का नाप। हिप्स का नाप तो बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ नहीं, बस आपको इस तरह से पकड़ कर ये देखिए ये हिप्स का नाप लेना। हिप्स इनके 35 इंच आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, जो इसके बाद तीसरा नाप होता है वो होता है थाइस का। थाइस का नाप दोस्तों इस तरह से लिया जाता है, ये देखिए। जब भी आपने थाइस का नाप लेना है तो बिल्कुल फिक्स नाप कभी भी नहीं लेना। जैसे कि ये देखिए, इनका जो थाइस का नाप है ये बिल्कुल 22 इंच आ रहा है, तो आपको कभी भी 22 इंच के हिसाब से नहीं लेना। आपको बीच में एक उंगली रखनी है, उसके हिसाब से नाप लेना है, क्योंकि एक्चुअली जो हम पैंट बनाते हैं वो हमारे पास स्ट्रेचेबल कपड़े की तो होती नहीं है जो बिल्कुल फिक्स नाप रखें, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लूज़ लेना होता है ताकि चलने फिरने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए दोस्तों इनका जब थाइस का नाप रखेंगे हम तो वो रखेंगे लगभग ये देखिए 22.5 या 23 इंच। उसके बाद दोस्तों नाप लेना है हमें बॉटम का। नॉर्मली पैंट का जो बॉटम होता है वो दोस्तों हम रखते हैं 12-13, ये भी कस्टमर की मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। किसी को अगर ज़्यादा बॉटम चाहिए हो तो 14-15 भी रख सकते हो, बाकी जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 12 या 13 ही हम रखते हैं। तो दोस्तों ये तो था पैंट का नाप लेने का फार्मूला, बिल्कुल आसान आपको मैंने बताने की कोशिश की है। सेम आपको इसी तरीके से प्लाजो का भी नाप लेना है। प्लाजो में कुछ नहीं, बस प्लाजो में वही लंबाई का सिस्टम होता है। किसी ने अगर एंकल प्लाजो बांधना हो तो आपको यहाँ तक रखना है,
अगर फ्लोर रखना हो तो यहाँ तक रखना है बिल्कुल नीचे तक। और उसके बाद दोस्तों सेम वही हिप्स का नाप लेना है आपको, और जो बॉटम होता है बस प्लाजो का जो बॉटम होता है वो जरूर थोड़ा बड़ा होता है। जो नॉर्मल प्लाजो हम रखते हैं जिसकी जिसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लाजो, उसका फार्मूला ये है, जैसे थाइज़ का जो इनका नाप है आपको ने बताया था 22-23 इंच आ रहा था, तो पैरेलल प्लाजो का नाप यही होता है, उसका जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो नाप होता है सेम होता है। जैसे मान लीजिए आपने ऊपर से 23 इंच रखा है तो आपको नीचे से भी 23 इंच रखना होगा। ये नॉर्मल प्लाजो पैरेलल प्लाजो इसको बोलते हैं, उसका नाप होता है। बाकी फ्रेंड्स सॉरी बाकी फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि प्लाजो भी कई तरीके के होते हैं, जिसमें सर्कल प्लाजो होता है, बेल बॉटम प्लाजो होता है, उनका तो कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती नाप लेने में, क्योंकि सर्कल प्लाजो काफ़ी लूज़ होता है और बेल बॉटम जो प्लाजो है उसका चलन आजकल बहुत कम है, तो प्लाजो का नाप बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों जो मेन बेसिकली नाप होता है वो होता है पैंट का, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैंने आपको पैंट और प्लाजो का जो किस तरीके से नाप लिया जाता है बिल्कुल सटीक तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आपको शायद हमारा वीडियो अच्छा लगे ना लगे, वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।